में जैसे लाइन डालना है बल्ब जलाने के लिए, खेत पे दूर से लाइन डालना है बल्ब जलाने के लिए, तो ये उस काम में आता क्या है। रेंज का रहता है ये जैसे 150 रुपए का बंडल आता है ये, 300 फीट 300 फीट है ना। हाँ 150 रुपए में, मतलब आधा रुपए पर मीटर पर फीट है ना, 50 पैसे पर फीट पड़ गया ये। पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए 2PM अर्थात पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर चलूँगा आदित्य इंटरप्राइजेस पे, जो कि इंदौर के होलसेल मशीनरी मार्केट वायर केबल इलेक्ट्रिक मार्केट में एक शॉप है जो कि वायर केबल के होलसेलर है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ले सकते हैं, और यदि आप एक सिंगल बंडल चाहिए क्योंकि इंदौर आए हैं और सस्ते में अगर केबल खरीदना है तो आप इस शॉप पर विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो शॉप है पूरी तरह से केबल मिलेगी, सभी प्रकार का वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दर पर होलसेल रेट पर मिलेगा। यदि आप व्यापार करना चाहते तो भी खरीदारी कर सकते हैं, घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं, खेत कुएं जहां के लिए भी वायर चाहिए आपको यहां पर आसानी से वायर मिल जाएगा, क्योंकि ये वायर के होलसेल विक्रेता है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप इस शॉप पर एक बार जरूर विजिट करिएगा। मैं आपके साथ में इसकी लोकेशन शेयर करता हूं। ये आदित्य इंटरप्राइजेस इंदौर के मशीनरी मार्केट में स्थित शॉप है, रेलवे स्टेशन के बहुत पास में। आप सामने देख सकते हो ये लोकेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपको। ये गुजराती कॉलेज चौराहा है, वहीं पर पास में चौराहे पर ये विश्वास मशीनरी के पास में आदित्य इंटरप्राइजेस की शॉप है जो वायर केबल के निर्माता है। तो आइए हम शॉप के ओनर से मिलते हैं और जानते हैं कि कितने में कौन सा वायर मिलेगा और आप कितने में उसे बेच सकते हैं। मेरा भानु प्रताप सिंह ठाकुर। शॉप का नाम बोलिए आपकी। आदित्य इंटरप्राइजेस। कहाँ पर स्थित है ये? एलआरओ कॉम्प्लेक्स महारानी रोड इंदौर। रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है ये? रेलवे स्टेशन से लगभग 100-150 मीटर। 150 मीटर मतलब पास में ही, मतलब रेलवे स्टेशन से उधर से आ सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या क्या आइटम मिलती है अपने यहाँ पर? वायर एंड केबल दोनों ही मिलते हैं हमारे पास। होलसेल है, रिटेल है? हमारा होलसेल है सर, होलसेल का काम है जी। शॉप का टाइमिंग क्या रहता है अपना? शॉप का सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। और संडे को? संडे क्लोज क्लोज रहता है जी। मिनिमम यहाँ पर कितना माल आदमी को लेना पड़ता है अगर कोई आता है खरीदारी करने के लिए, तो उसे कितना मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा? नहीं क्वांटिटी रहती है अपने, एक्चुअली जैसे हम शॉप पे बैठे हुए तो इसके साथ साथ हमारा रिटेल बहुत छोटा मोटा, वैसे हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं रिटेल पर, बट कोई आ जाता है तो कम से कम जैसे हमारा कोई भी बंडल है वो एक बंडल कम से कम दे देते, उससे कम हम काट के नहीं देते। ये केबल क्या रेंज की है, क्या क्वालिटी की है? ये एलिग्रिप गोल्ड की, जैसे 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 8 mm, ये हमारे पास हमेशा रेडी स्टॉक रहता है। क्या रेंज का रहता है ये? सपोज दैट जैसे 1.5 mm का है तो ये हम इसको जो है 50 रुपीज पर मीटर बेचते हैं। 50 रुपीज पर मीटर, 2.5 75 रुपीज है, ठीक है। और ये 105 रुपए, और ये 150 रुपए। ये 150 रुपए मीटर जी। रिटेल काउंटर में कितने बिकती है ये? रिटेल काउंटर, ये रिटेल काउंटर वाले इसको फिट के हिसाब से पर फिट बेचते हैं। जैसे अपन देखें इसको तो लोग 55 रुपए फिट बेचते हैं। 55 रुपए फिट देते हैं। और आप क्या रेट देते हैं इसको? और हम तो 150 रुपए मीटर बेचते हैं होलसेल में, लोग बाग 180 रुपए बेचते हैं। मतलब डबल मुनाफा का माल है? डबल तो नहीं है लेकिन 20-30%। हाँ जो भी है। ये क्या रेट की पड़ेगी? जैसे इसमें उससे हल्की रेंज में ही आ जाती है एलिग्री ब्रॉन्ज, तो इसका जैसे 4 mm पड़ता है आज की तारीख में 75 रुपीज पर मीटर। 6 mm का पड़ता है 105 रुपीज पर मीटर जी। ये सिल्वर का है, जैसे ये 87 पर रुपए मीटर का पर मीटर। ये क्या चीज है ये इधर ये रखी? ये एल्यूमिनियम 3 को राउंड होता है सर ये। आजकल इसका चलन बहुत ज्यादा से हो गया, और हमारी जो एलिग्रिप कंपनी बना रही है वो 4 कोटेड बना रही है, और सारी पीवीसी जो इसमें फर्स्ट की पीवीसी डालती है। जैसे एक कवर आपका ये हो गया, उसके ऊपर एक कोटेड ये हो गया, उसके ऊपर एक कोटेड ये हो गया, एक कोटेड ये हो गया, ऐसा शायद और कोई कंपनी बना रही हो बट हमारी एलिग्रिप कंपनी बना रही है। क्या रेंज का ये? ये जैसे 10 mm का है तो ये पड़ेगा 48 रुपीज पर मीटर। 48 रुपीज पर मीटर जी। और ये वाला वो अभी सैंपल जो बना रहे थे ये 14 mm का है, ये 14 mm का पड़ता है 55 रुपीज पर मीटर। नेक्स्ट अगर अगर अपन आगे चले तो जी आगे बताइए कौन से बंडल के? जैसे हमारा मेन काम हाउस वायर का भी है। इसमें हमारा जेप्सन गोल्ड, ये हमारा जो है 850 रुपए में होलसेल करते हैं हम इसको। 850 रुपए में कितना क्या आएगा ये? ये 300 फीट आता है और ये FR PVC में बनाते हैं हमारे। बताइए एक बंडल बताइए देखिए।
एक बंडल उठाना पसंद भैया। इसको खोलो, पूरा खोलो ना। हाँ पूरा ओपन कर, या फिर ये खुला हुआ पड़ा है ना वो वाइट वाला, वो दे दो। ये मतलब ये कितने मीटर का आता है ये पूरा? इसमें 90 मीटर आता है। 90 मीटर, क्या रेट का पड़ता है एक डिब्बा ये? ये 850 रुपए का होलसेल, होलसेल रेट पड़ता जी। है ठीक है, दूसरा बताइए। है ना, अब किसी को यदि ये महंगा लगता है तो इसका एक ऑप्शन अपने पास एक और है, जेप्सन। ये 715 रुपए का होलसेल का रेट है पूरा बंडल। कितने मीटर आता है ये? 90 मीटर इसमें भी आता है। क्या क्वालिटी है इसकी? इसकी क्वालिटी कॉपर की जो उसमें है उससे ये बेटर है, बेटर है। और इसकी पीवीसी सॉरी उसकी क्वालिटी बेटर है, इसकी थोड़ी सी लोएस्ट है उससे, और इसमें गेज भी थोड़ा उससे कम रहता है। ठीक है सर, ये नेक्स्ट जैसे खुले, हाँ ये वाला होता है एलीग्रिप में। अभी जैसे जब से ये लॉकडाउन लगा है या बहुत ज़्यादा मेटल के रेट, पीवीसी के रेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गए बाजार में, तो इस ब्रांड की बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू हो गई है, मतलब सेल इसकी ज़्यादा निकल रही है। ये इसकी कॉस्ट है अभी 500 रुपए पर बंडल, पर बंडल का है। 90 मीटर ये, 90 मीटर ये, 90 मीटर ठीक है। नेक्स्ट होता है, और इसमें जो जेप्सन की क्वालिटी डालते हैं ना वही क्वालिटी इसमें डालते हैं एलीग्रिप में। ठीक है नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट जैसे ये फ्लेक्सिबल है, स्पीकर वाले है ना, ये भी हमारा 303 फीट पे इसकी कटिंग करते हैं फैक्ट्री पे, ताकि हम इसमें गारंटी दे सकें कि हमारा प्रोडक्ट पूरा 300 फीट आएगा। 3 फीट एक्स्ट्रा देते हैं, उसके पैसे भी नहीं लेते हैं, है ना। क्या रेंज का रहता है ये? ये हमारा आता है होलसेल में 525 रुपए, 300 फीट मतलब 90 मीटर जी। क्या क्या काम आता है केबल ये? जनरली जैसे घर में यूज करना है, किसी को बल्ब चलाना है, पंखा लगाना है, उस हिसाब से ये टेम्परेरी डालते हैं इसको लोग। ठीक है नेक्स्ट बताइए दूसरा। जैसे इसमें एक हमारी एलीग्रिप कंपनी में सबसे बढ़िया क्वालिटी जो इसकी आती है सर, ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, सर्दियों में भी ये फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे लोग एक्सटेंशन कोर्ड बनाते हैं तो इसकी पीवीसी की जो खासियत है, ये कभी भी हार्ड नहीं होती पीवीसी, कैसी भी सर्दी पड़ रही हो माइनस टेम्परेचर में भी ये सॉफ्ट रहती है। क्या रेंज का रहता है ये? जैसे इसका 1 mm 2 राउंड का है तो ये 1680 रुपए का है, 90 मीटर है ना। ये भी फ्लेक्सिबल ही है, जो अभी अपन ने जैसे जेप्सन का बताया था, ये थोड़ा कम कॉस्ट वाला है। कितने का पड़ रहा है ये? इसका कॉस्ट है 450 रुपए, 450 जी। ठीक है आगे बढ़िए सर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सबमर्सिबल के बारे में शायद मैंने आपको बता ही दिया अभी, एक हमारी अच्छा केबल ऐसे आती है। हाँ ये केबल आती है, ये देखिए जैसे अभी हम दे ही रहे हैं 300 मीटर अभी किसी का ऑर्डर आया हुआ है। जनरली हम देते हैं वैसे 500 मीटर का ड्रम, ठीक है, लेकिन जो अपने वाले हैं उनके लिए कि भैया करना है तो 300 मीटर काट के भी दे दिया। ठीक है एक हमारा ये जेप्सन में आता है सर, एल्यूमिनियम वायर, और ये एग्रीकल्चर में लगता है, काफ़ी अच्छी इसकी खपत है। क्या रेंज करता है ये? जैसे इसमें 6 mm का अभी हम 1950 रुपए का सेल कर रहे हैं रिटेल में, रिटेल में, क्योंकि ये रिटेल भी चलता है हमारे पास, डायरेक्ट कंज्यूमर आता है। होलसेल इसका जो है हम कर रहे हैं लगभग 1650 रुपए। कितने मीटर का आता है ये? 274 मीटर, 274 मीटर, और इसमें फिट के हिसाब से चलता है 900 फिट। तो जैसे जेप्सन कंपनी है, मात्र एक जेप्सन कंपनी ऐसी है जो 274 मीटर दे रही है, या फिर एक एलीग्रिप कंपनी भी, अभी हमारे पास उसका इस साल हमने स्टॉक नहीं किया जब से लॉकडाउन थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है ऐसा कुछ, नहीं तो वो भी पूरा बंडल जो है 274 मीटर देते हैं एलीग्रिप में भी, बाकी और कोई कंपनी जो है नहीं देती हाँ। अन्य कोई कंपनी बताइए दूसरा? किसी? नहीं किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा ना सर। ठीक है, और ये जो ये केबल है ये क्या कहते हैं ये केबल? हाँ ये जो अपन सैंपल बता रहे थे ना ये वो वाली है, एल्यूमिनियम थ्रीकोर। बिजली के काम आती है ये? मीटर नहीं, ये फार्मर के लिए लगती है गाँव में, जैसे मोटर चलाने के लिए कई लोग होते हैं जो वायर डाल लेते हैं, कई लोग होते हैं हमको बहुत अच्छा काम करना है तो वो जमीन में गाड़ के लाइन ले जाते हैं,
या फिर ऊपर ऊपर लाइन लाते हैं तो ये हैवी होता है। क्या रेंज करता है ये? क्या रेंज करता? इसमें सब अलग अलग रेट के हैं, जैसे 45 रुपीज से लेकर के 45 रुपीज पर मीटर से लेकर के, और मेरे पास जो है वो अभी 75 रुपीज तक का है। और ये जैसे ये सस्ता ये वाला, इसके अलावा एक आर्मर्ड केबल आती है ये, जैसे उसका ये टुकड़ा पड़ा हुआ है ये एलीग्रिप कंपनी बनाती है। ये जैसे किसी को घरेलू कनेक्शन लेना है तो उसके लिए लगता है ये। क्या मीटर रहता है ये? इसमें टू कोर में 28 रुपए से लेकर के मेरे पास, और ये लगभग 100 रुपए मीटर तक का मटेरियल है मेरे पास जाएगा। जी ठीक है। और ये जैसे ये केबल्स बुढ़े, ये सब टेम्परेरी, किसी को गांव में जैसे लाइन डालना है बल्ब जलाने के लिए, खेत पे दूर से लाइन डालना है बल्ब जलाने के लिए, तो ये उस काम में आता है। क्या रेंज का रहता है ये? ये जैसे 150 रुपए का बंडल आता है ये, 300 फीट, 300 फीट है ना? हाँ, 150 रुपए में, मतलब आधा रुपए पर मीटर पर फीट है ना, 50 पैसे पर फीट पड़ गया ये। पड़ गया। जी ठीक है। जैसे वो उधर लाल कलर का बंधा हुआ है, वो भी क्या? वो भी ऐसे टेम्परेरी काम में आते हैं। क्या मीटर? वो 150 फीट का बंडल आता है, और उसमें 120 रुपए का भी है, 165 रुपए का भी है, 185 रुपए का भी है, मतलब सभी प्रकार के वायर केबल आपके यहाँ मिल जाते हैं? ऑल टाइप वायर मिल जाते हैं। ये इधर, ये जैसे ये पंखे के कनेक्शन में लगता है ये। क्या रेंज का है ये? 300 रुपए का पर 300 रुपए का पर बंडल पड़ता है ये। कितने बंडल, कितने मीटर? 300 फीट माल आता है, 300 फीट बंडल। और ये जैसे मोटे वाला पड़ा हुआ है ये, वो उसका अपन ने आगे बता दिया था। वो हो गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा? नहीं, अब यूं तो गोडाउन पे बहुत सारी रेंज है। जैसे एक ये भी जनरली चलती है आइटम, ये जैसे प्रेस कॉर्ड हो गया या कूलर कॉर्ड हो गया, तो ये भी हम रखते हैं। जी, ये क्या रेंज का? इसमें पीस का हिसाब चलता है, जैसे 45 रुपीज का पर पीस। जी ठीक है सर। एक सर ये एलीग्रिप की जो है टू कोर एल्यूमिनियम, ये जनरली लोगों को जो है घर में लाइन लाने के लिए, जैसे अपने डोमेस्टिक, यदि इसको कहीं गांव में लगाना है तो ये वाली चलती है, नहीं तो फिर आर्मर चलती है। सिटी लेवल पे आर्मर चलती है, एमपीवी ने कंपलसरी किया हुआ है आर्मर। क्या रेंज का ये? तो जैसे इसका ये 6 mm का पड़ता है, 1340 रुपए का 90 मीटर। 1 मीटर कितने का पड़ता है फिर? और वो निकालना पड़ेगा सर, उससे कैलकुलेट कर लीजिए, करके बताइए। लाइए ₹14.88 पर मीटर पड़ता है 6 mm का। इसमें 4 mm भी आता है, 10 mm भी आता है, वो सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है उनके। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर बताएं, ताकि मैं अगली बार वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छा लेकर आऊँ। आप बहुत समय से मांग कर रहे थे कि हमें वायर केबल का वीडियो चाहिए, तो मैं आज आपके बीच में वीडियो शेयर किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा साथियों, पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी और मोटिवेशनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे। अगर आप मशीनरी हार्डवेयर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।